इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे। अब पढ़ते हैं डायनेमिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो तरीके से हम पढ़े थे, एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ का प्रोडक्शन जो होता है इंडक्शन जो होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देखे थे, उसमें ये फार्मूला डिराइव किए थे ई इक्वल टू बी एल वी इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। बी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोला था मैं, एल को लेंथ ऑफ कंडक्टर बोला था, एंड वी इज़ वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर विच इज़ मूविंग विद इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? तो उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घूमने वाले कंडक्टर की क्या माना था? वेलोसिटी बोला था मैं, ठीक है। इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड होता है, दूसरा जो होता है स्टेटिकली। तो स्टेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को देखते हैं, स्टेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर हुआ? तो स्टेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है, कोई भी जो कंडक्टर जो रहता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। कंडक्टर फिक्स रहता है मतलब कंडक्टर है वो स्टेशनरी कंडीशन में रहता है, बट उस कंडक्टर को लिंकिंग करने वाले फ्लक्स जो है उसकी फ्लक्स रेट को क्या किया जाता है, वेरी किया जाता है, ठीक है। तो जब किसी कंडक्टर को लिंकिंग फ्लक्स रेट में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंज करने से ऑलवेज उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ का क्या होता है, इंडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है। क्लियर हुआ? तो स्टेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है, कंडक्टर जो रहता है वो स्टेशनरी कंडीशन में रहता है, बट उस कंडक्टर को लिंक करने वाले फ्लक्स की वैल्यू को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके हम क्या करते हैं, वेरी करते, ठीक है। मतलब फ्लक्स लिंकेज रेट को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। उस कंडक्टर को कट करने वाले फ्लक्स लिंकेज या फ्लक्स लिंकेज रेट को क्या किया जाता है, वेरी किया जाता है बाय वेरिंग दी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को वेरी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी होने से उससे जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होता है, जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होने से उस कंडक्टर को फ्लक्स लिंकिंग रेट है वो चेंज होता है, कंडक्टर के फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होने से उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ का क्या हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है, इंडक्शन हो जाता है। क्लियर हुआ? तो स्टेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या रहता है, कंडक्टर है वो क्या होता है, स्टेशनरी कंडक्टर, कंडक्टर रिमेन्स रिमेन्स इन स्टेशनरी कंडीशन। क्लियर हुआ? स्टेशनरी कंडीशन मतलब कंडक्टर है वो घूमता नहीं है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर स्थिर रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है उसको क्या कर देते हैं, वेरी करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को क्या करते हैं, फ्लक्स लिंकेज रेट को क्या किया जाता है, फ्लक्स लिंकेज रेट को क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज रेट को क्या करते हैं, वेरी करते हैं। कैसे वेरी होगा, बाय वेरिंग दी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? बाय वेरिंग दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को वेरी करके उस कंडक्टर के मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके लिंकेज रेट है उसको क्या किया जाता है, वेरी किया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने क्या बताया, स्टेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में कंडक्टर स्टेशनरी रहता है, बट उस कंडक्टर को लिंक करने वाली फ्लक्स लिंकेज रेट है उसको क्या किया जाता है, वेरी किया जाता है। तो फैराडे ने बोला है जब किसी कंडक्टर के फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होता है तो ऑलवेज उस कंडक्टर में एक ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है। क्लियर हुआ? अब वो फ्लक्स लिंकेज रेट में आप चेंजेस चाहे तो आप आप कंडक्टर को उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव करा के चेंज कराओ, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को वेरी करके आप कराओ, ठीक
ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या रहता है, कंडक्टर है वो स्टेशनरी कंडीशन में रहता है और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज रेट है उसको क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज रेट को वेरी करते हैं बाय वेरिंग दी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को वेरी करके मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज रेट है उसको चेंज करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होने के कारण उस स्टेशनरी कंडक्टर पर एक ईएमएफ का क्या होता है, प्रोडक्शन हो जाता है। क्लियर हुआ? कंडक्टर और क्वाइल रिमेंस स्टेशनरी एंड फ्लक्स लिंक्ड विथ इट इज चेंज्ड बाय सिंपली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द करेंट प्रोड्यूसिंग दिस फ्लक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज रेट को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स रेट कैसे चेंज होगा, बाय वेरिंग दी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी होगा, बाय वेरिंग दी फ्लोइंग करेंट बाय वेरिंग दी फ्लोइंग करेंट। क्लियर हुआ? तो फ्लोइंग करेंट की वैल्यू को वेरी करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी होने से प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होता है। प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू वेरी होने से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज रेट चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज रेट चेंज होने से उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ है उसका क्या होता है, इंडक्शन होता है। क्लियर हुआ? तो जब किसी कंडक्टर को कट करने वाले या फिर जब किसी कंडक्टर से पास होने वाले या फिर जब किसी कंडक्टर के फ्लक्स लिंकेज रेट में क्या होता है, चेंज होता है, तो ऑलवेज उस कंडक्टर में क्या होता है, एक ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है। क्लियर हुआ? ये फैराडे ने बोला है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो दो तरीके से होता है, एक म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक क्या है आपका, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और दूसरा जो होता है वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। दोनों को देखेंगे, दोनों क्या होगा। म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब क्या होता है उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसको प्रैक्टिकली ही बताऊँगा तब क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, इसको समझ में आ गया। पहला देख रहा हूँ मैं, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में देखेंगे। तो एक कंडक्टर बना लेता हूँ पहले, एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब एक आपका क्या, फिजिकल आपका स्ट्रक्चर है। उस फिजिकल स्ट्रक्चर में कॉपर वायर को क्या कर दिया मैं, वाउंड कर दिया। वाउंड करने से क्या बन गया, कॉइल बन गया। क्लियर हुआ? वैसे ही आपका इसके नियरर मैं क्या रख देता हूँ, फिर से एक अनदर क्वाइल रख देता हूँ, और इस अनदर कंडक्टर के ऊपर अगेन कॉपर वायर को वाउंड करके क्या बनाया गया है, क्वाइल बनाया गया। क्लियर हुआ? अगेन इस क्वाइल के वाइंडिंग में क्या कर दिए हैं, एक बैटरी दे दिया है और एक स्विच लगा दिया है और एक वेरिएबल रजिस्टर, रियोस्टेट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको आर कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये स्विच एस है, स्विच जैसे ही क्लोज होगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्लोज पाथ क्रिएट हो जाएंगे। और ये प्लस और माइनस क्या है, एक वोल्टेज सोर्स से दे दिए, इसको बैटरी दे देते हैं, बी दे देते हैं। क्लियर हुआ? सपोज इसको हम दे देते हैं क्वाइल ए और इसको दे देते हैं क्वाइल बी, ये दिस इज क्वाइल बी, और इस क्वाइल बी इस कंडक्टर कंडक्टिंग क्वाइल के बीच में एक मीटर को कनेक्ट कर दिए, इसको दे देते हैं हम वोल्ट मीटर। क्लियर हुआ? हम सिंपली यहाँ पर कंडक्टर भी है, यहाँ पर दो कंडक्टिंग क्वाइल लिए हैं, कंडक्टिंग क्वाइल ए और कंडक्टिंग क्वाइल बी दोनों एक दूसरे के पास पास है, पास में रखा हुआ है, नज़दीक रखा गया है, क्लोज टू क्वाइल ए एंड बी लेइंग क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पास में ही हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? क्वाइल ए में एक्सटर्नल बैटरी स्विच और एक वेरिएबल रजिस्टर को क्या कर दिया है, क्वाइल ए के दोनों टर्मिनल के बीच में बैटरी स्विच और एक वेरिएबल रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया है, और क्वाइल बी के दोनों टर्मिनल के बीच में एक एक्सटर्नल वोल्ट इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किए हैं जिसको क्या बोलते हैं, हम वोल्टमीटर बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो क्वाइल बी में किसको कनेक्ट कर दिया गया है, क्वाइल बी में किसको कनेक्ट कर दिया गया है, वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया है, ताकि इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस के थ्रू हम इसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर सकें, मेज़र कर सकें,
और वोल्टेज का इंडिकेशन इसी से होगा, क्लियर हुआ। जैसे ही स्विच एस को क्लोज करते हैं, जैसे ही स्विच एस को क्लोज करते हैं, एस के क्लोज होने से यहाँ पर एक क्लोज पाथ क्रिएट हो जाता है और उस क्रिएटेड क्लोज पाथ से होकर एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू होगा, क्लियर हुआ। जैसे ही स्विच एस को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, स्विच एस क्लोज होने के कारण इस कंडक्टिंग कॉइल ए पर एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि क्लोज पाथ क्रिएट हो जाता है। क्लोज पाथ क्रिएट होने के कारण इस बैटरी के कारण इस कंडक्टिंग कॉइल ए में एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने लगता है, क्लियर हुआ। तो जैसे ही इस कंडक्टिंग कॉइल ए के साथ कनेक्टेड रजिस्टर की वैल्यू को वेरी करते हैं, रजिस्टर की आर की वैल्यू को वेरी करके इस कंडक्टिंग कॉइल ए में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू को क्या किया जाता है, वेरी किया जाता है, क्लियर हुआ। तो आर की वैल्यू को वेरी करके इस कंडक्टिंग कॉइल ए में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू को वेरी करते हैं, फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू वेरी होने आर की वैल्यू को वेरी करके कंडक्टिंग कॉइल ए में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को वेरी करते हैं। तो इस आर की वैल्यू वेरी होने से इस कॉइल में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू होता है वेरी होता है, फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू वेरी होने के कारण क्या हो? अब इसमें पुराना कंसेप्ट छोड़ो, शुरू से ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या लिया, यहाँ पर दो कॉइल लिया, कंडक्टिंग कॉइल ए एंड कंडक्टिंग कॉइल बी, क्लियर हुआ। कंडक्टिंग कॉइल ए के दोनों टर्मिनल के बीच में एक्सटर्नल बैटरी, एक स्विच और एक रेजिस्टर को सीरीज फॉर्म में क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, क्लियर हुआ। जैसे ही क्या होता है, स्विच एस को क्लोज करते हैं, स्विच एस के क्लोज होने के कारण इस कंडक्टिंग कॉइल ए पर इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर हुआ। तो जैसे ही इस कंडक्टिंग कॉइल ए पर इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो होने से क्या होता है, इस कंडक्टिंग कॉइल ए से ए में क्या होता है, इस कंडक्टिंग कॉइल ए में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस कंडक्टिंग कॉइल ए के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है और उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है, जनरेट होता है। ये जनरेटेड जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स जो होता है वो आपका नियरर जो प्लेस्ड क्वाइल है, नियरर जो प्लेस्ड क्वाइल है, इस प्लेस्ड क्वाइल है उसको क्या करता है, लिंक करता है, क्लियर हुआ। तो जब इस क्वाइल ए से क्वाइल बी में फ्लक्स लिंकेज रेट की वैल्यू इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है, तो फ्लक्स लिंकेज रेट की वैल्यू सेम होने के कारण क्वाइल बी में कोई भी ईएमएफ का इंडक्शन नहीं होता, क्लियर हुआ। मैंने सिंपल क्या किया, जैसे ही स्विच एस को क्लोज किया, स्विच एस के क्लोज होने से यहाँ पर एक क्लोज पाथ क्रिएट हुआ और उस क्रिएटेड क्लोज पाथ पे एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही क्वाइल ए पर इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है, उस क्वाइल में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड है वो सेटअप हो जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि जब किसी कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है तो ऑलवेज उस कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसमें प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, वो जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो नियरर प्लेस्ड कॉइल बी को क्या करता है, लिंक करता है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्वाइल बी को लिंक करने वाले फ्लक्स रेट है उसकी वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। फ्लक्स लिंकेज रेट क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट अमाउंट में फ्लक्स लिंकेज होने के कारण इस क्वाइल बी में कोई भी ईएमएफ का प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता, क्लियर हुआ। अब जैसे ही क्वाइल ए के साथ अटैच्ड वेरिएबल रजिस्टर, इस रजिस्टर आर की वैल्यू को वेरी करोगे, आर को क्या करोगे, वेरी करोगे, आर की वैल्यू को वेरी करोगे, आर की वैल्यू वेरी होने के कारण क्वाइल ए का क्या होगा, क्वाइल ए के करंट है वो क्या होंगे, ये वेरी होंगे, बढ़ेगा घटेगा उसमें नहीं जा सकते, मतलब वेरी होगा वोल्ट, जब इसको बढ़ाओ घटाओ जो भी करो, तो क्वाइल ए में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू वेरी होगा। फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू वेरी होने से
मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होगा, वेरी होगा, कम ज़्यादा दिया हो मतलब वेरी होंगे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू वेरी होने से क्वाइल क्वाइल बी को वी का फ्लक्स लिंकेज जो होगा, क्वाइल बी का फ्लक्स लिंकेज जो होंगे वो भी क्या होंगे, वेरी होंगे। ठीक है, तो क्वाइल बी को लिंक करने वाले फ्लक्स रेट है वो चेंज होंगे। क्वाइल बी के फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होने के कारण उस क्वाइल बी में क्या होता है, एक ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण क्वाइल में क्या होने लगता है, एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने लगता है, जिससे क्वाइल बी के साथ अटैच्ड वोल्टमीटर का पॉइंटर है वो क्या होने लगता है, डिफ्लेक्ट होने लगता है। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण ही इसके साथ अटैच्ड वोल्टमीटर है वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या बोलते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्योंकि म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों क्यों बोला, क्योंकि नियरर या फिर इसके क्लोज्ड जो आपका प्लेस्ड जो क्वाइल है उस क्वाइल में करंट की वैल्यू को वेरी किया, करंट की वैल्यू वेरी होने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी होने से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू वेरी हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू वेरी होने से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज वेरी हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू वेरी होने से इस मैग्नेटिक कॉइल बी पर क्या हुआ, एक ईएमएफ का प्रोडक्शन हुआ, इंडक्शन हुआ, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस क्वाइल बी में एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हुआ। उस फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट के कारण क्वाइल बी के साथ अटैच्ड पॉइंट अटैच्ड इंस्ट्रूमीटर है उसके पॉइंटर क्या करने लगता है, डिफ्लेक्ट करने लगता है, डिफ्लेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो क्वाइल ए के साथ प्रोड्यूस्ड ईएमएफ लिंक किया, ठीक है, तो क्या होता है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है ऐसे, यहाँ पर ऐसा इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण फिर से इसमें करंट का फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के कारण इसमें भी क्या होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होंगे, जनरेट होंगे। आपको वही कंसेप्ट लगाना है ना, जब किसी कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होता है तो ऑलवेज उस कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने लगता है। अगेन जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है तो ऑलवेज उस कंडक्टर में एक ईएमएफ है उसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है, और उस प्रोडक्शन ईएमएफ के कारण उसमें करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगेन क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जनरेट होने लगा। तो इसमें भी वही घटना होगा। तो सिंपली यहाँ की क्या किए, करेंट यहाँ फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स यहाँ जनरेट हुआ, लेकिन यहाँ का जनरेटेड जो फ्लक्स है इस क्वाइल को लिंक किया, इस क्वाइल से होकर गुजरा, इसको कट किया। तो फैराडे ने बोला है, क्या बोला है, कि जब किसी क्वाइल या फिर कंडक्टर के फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होता है तो ऑलवेज उस कंडक्टर में एक ईएमएफ का क्या होता है, प्रोडक्शन हो। तो देखो सिंपल, जब स्विच को हम क्लोज किए थे तो स्विच को क्लोज किए तो उस समय इस क्वाइल में कांस्टेंट अमाउंट में करेंट का फ्लो हुआ, ठीक है, कांस्टेंट अमाउंट में करेंट का जब फ्लो हुआ तो उसमें करंट फ्लो होने के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स जनरेट हुआ, जनरेटेड जो फ्लक्स है क्वाइल बी को लिंक किया। तो क्वाइल बी को जो फ्लक्स लिंकेज किया उसकी फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंजेस नहीं हुआ। क्वाइल बी को लिंक करने वाले फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज नहीं होने से क्वाइल बी में कोई भी ईएमएफ का प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाया। इसमें नो ईएमएफ, क्यों नो ईएमएफ, क्योंकि कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट के कारण कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के कारण कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स जब कांस्टेंट अमाउंट में फ्लक्स लिंक किया तो कांस्टेंट जब फ्लक्स लिंकेज होता है तो उसमें कोई भी ईएमएफ का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो क्वाइल बी में कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई ईएमएफ प्रोड्यूस ना होने के कारण इसका पॉइंटर है डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस क्वाइल ए के साथ अटैच्ड वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू को वेरी करते हैं,
रजिस्टर की वैल्यू को वेरी करने से इसमें फ्लो होने वाला करंट वेरी होता है, और फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू वेरी होने से इसमें डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड वेरी होता है। डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी होने से फ्लोइंग करंट वेरी होगा, फ्लोइंग करंट वेरी होगा। डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी होने से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स जब वेरी होगा तो इसमें जनरेटेड फ्लक्स जो कॉइल बी को लिंक करता है, कॉइल बी को लिंकिंग करने वाले फ्लक्स रेट है वो चेंज हो जाएंगे। कॉइल बी को लिंक करने वाले जब भी फ्लक्स लिंकेज रेट चेंज होगा तो कॉइल बी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएंगे, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल करेंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो कोई भी कंडक्टर में ईएमएफ का प्रोडक्शन तभी होगा जब उस कंडक्टर को कट करने वाले, उसको लिंक करने वाले फ्लक्स है उसमें क्या होंगे, चेंजेस मिलेंगे। फ्लक्स लिंकेज रेट में क्या होगा, चेंज होगा, तभी होंगे। क्लियर हुआ? तो उस क्वाइल बी में जो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होंगी, उसकी ईएमएफ है उसकी मैग्नीट्यूड को हम फैराडे लॉ से हम शो कर सकते हैं। फैराडे लॉ से हम क्या कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके द्वारा दिया जा सकता है। बट जो आपका डायरेक्शन जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन जो है वो किसके द्वारा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय फैराडे के लॉ से हम दे सकते हैं उसकी, कि उसमें जो भी ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड को हम किससे दर्शा सकते हैं, फैराडे लॉ से दिखा सकते हैं। बट डायरेक्शन जो है वो किससे हम करते हैं, लेंज लॉ से, लेंज के नियम से। ठीक है, तो लेंज के नियम से ही डायरेक्शन को क्या किया जाता है, बताया। तो लेंज लॉ किसी दिन लूँगा कि लेंज लॉ से कैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन उसको फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में। क्लियर हुआ? तो इसमें डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो लेंज के नियम से, लेंज लॉ से कर सकते हो। बट कॉइल बी में जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड जो क्या होंगे उसको किससे दर्शा सकते हैं, हम किसके द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, फैराडेस लॉ से। अब चलो हम उसमें क्या कर देते हैं, बैटरी है उसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स दैट मीन्स जो बैटरी आपका कॉइल ए में कनेक्टेड था उस कॉइल ए में कनेक्टेड बैटरी को हम कॉइल बी में कनेक्ट कर देते हैं, और वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट कर देते हैं, कॉइल ए में। इसका अपोजिट करके देखते हैं, तो इसका अपोजिट करके देख लेते हैं, तो इसमें भी वही होगा, ये आपका कॉइल है। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर में कॉपर वायर को वाउंड करके बनाते हैं इसको, कॉइल बी लिया था मैं, इसमें क्या लिए है, इधर क्या लिए थे अपन, कॉइल ए, इसमें भी अपन हाई कंडक्टिंग वायर को क्या कर दिए थे, वाउंड कर दिए थे। ठीक है, ये वाउंड कर दिए, इसके साथ में रजिस्टर ले लिए, ये स्विच जोड़ दिए। क्लियर हुआ? और ये आपका बैटरी लगा दिए। ठीक है, इनके दोनों टर्मिनल, ये वेरिएबल रजिस्टर आर, ये स्विच हो गया और ये बैटरी हो गया। क्लियर हुआ? जैसे ही स्विच एस क्लोज होगा इसमें करंट फ्लो होगा, ये प्लस माइनस करंट ऐसे फ्लो होंगे। क्लियर हुआ? ये कॉइल ए है, और इस कॉइल ए में हम क्या कर देते हैं, एक्सटर्नल एक वोल्ट मीटर है उसको इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर हुआ? ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, सेकेंड टाइम हमने क्या किया, कॉइल ए के में जो अटैच्ड जो बैटरी था, कनेक्टेड जो बैटरी था, उस कनेक्टेड बैटरी को वेरिएबल रजिस्टर और एक स्विच के थ्रू कॉइल बी में कनेक्ट कर दिया, और कॉइल बी में कनेक्टेड वोल्टमीटर को हमने कॉइल ए के दोनों टर्मिनल के बीच हम उसको कनेक्ट कर दिया। क्या होता है, अब जैसे ही कॉइल बी के साथ कनेक्टेड स्विच है उसको क्लोज करते हैं, स्विच जैसे ही ऐसा क्लोज होगा, स्विच के क्लोज होने से यहाँ पर क्या होंगे, क्लोज पाथ क्रिएट होंगे। क्रिएटेड क्रॉस पाथ के कारण इसमें एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू होगा।
तो इनिशियल केस में रेजिस्टर की वैल्यू कांस्टेंट, बैटरी की वोल्टेज लेवल कांस्टेंट है, इस कारण इस कॉइल बी में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने के कारण कॉइल बी के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। उस प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है, मैग्नेटिक जो फील्ड डेंसिटी होती है, वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण इस जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जनरेट, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। आपको पता है कोई भी कंडक्टर से चलो ऐसा निकाल देते हैं, ऐसे 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 प्रोड्यूस हो गए सब, ऐसे ऐसा क्लोज पाथ बनाते हैं, पूरा नहीं बता रहा हूँ आपको, ऐसे कर रहा हूँ मतलब ये समझ जाना कि ऐसे आकर ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे आकर ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा प्रोड्यूस होगा, ये इधर ऐसे बनेंगे, इसकी डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा, क्लियर हुआ? तो ऐसा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल बी, कॉइल में बी में क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स की एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल ए को लिंक करेगा, तो कॉइल ए को लिंक करने वाले फ्लक्स की रेट है वो कांस्टेंट। कांस्टेंट रेट का जो फ्लक्स लिंकेज करता है कॉइल ए को, इस कारण कॉइल ए में कोई भी ईएमएफ का प्रोडक्शन नहीं होगा, और कोई भी ईएमएफ प्रोडक्शन ना होने के कारण उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। ये इनिशियल केस है जब हमने सिंपल स्विच एस को क्या किया? क्लोज किया। अब जैसे ही स्विच एस को क्लोज करने के बाद इस स्विच के साथ अटैच्ड रजिस्टर आर है, आर की वैल्यू को क्या करते हैं हम? वेरी करते हैं, आर की वैल्यू वेरी करते हैं। तो जैसे ही उसके साथ में कनेक्टेड रजिस्टर्ड है, वेरिएबल रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज करते हैं। वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू चेंज करने से करंट जो है क्वाइल करंट थ्रू थ्रू क्वाइल बी इज चेंज्ड, क्लियर हुआ? उस क्वाइल बी में फ्लो होने वाला करंट है वो क्या होगा? चेंज होगा, बढ़े बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड्स ऑन दी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्लियर हुआ? तो करंट थ्रू कॉइल बी इज चेंज्ड, तो कॉइल बी में फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कॉइल बी में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू चेंज होने के कारण क्या होंगे? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड फील्ड विल बी चेंज्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट चेंज होने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होने से क्या होगा? जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होंगे? चेंज होंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा? चेंज होगा। ये फ्लोग्राफ टाइप का लिख रहा हूँ ताकि यही आप थ्योरी है ना, क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से उसमें जनरेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होंगे। जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने के कारण क्या होगा? फ्लक्स लिंकिंग रेट है वो क्या होगा? चेंज होगा। फ्लक्स लिंकेज रेट है वो क्या होंगे? चेंज होंगे। फ्लक्स लिंकेज रेट है वो क्या होगा? चेंज होगा। फ्लक्स लिंकेज रेट चेंज होता है, और अभी अभी मैं बताया, जब ये इससे जनरेटेड फ्लक्स लिंकेज रेट है चेंज होता है, तो इस क्वाइल बी से क्वाइल ए में ऐसा फ्लक्स लिंकेज होगा, इससे होकर ऐसे गुजरेगा, आगे बढ़ाओगे तो क्वाइल बी से जनरेटेड फ्लक्स है वो क्वाइल ए को लिंक करता है, कट करता है, उससे होकर पास होता है। तो हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर के फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंज होता है तो ऑलवेज उस कंडक्टर में एक ईएमएफ का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, क्लियर हुआ? तो इसमें ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है, क्लियर हुआ? तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है कॉइल ए में, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण क्या होता है? कॉइल ए में एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू होता है, जिससे इस कॉइल के साथ अटैच्ड इंस्ट्रूमेंट है, मीटर है, उसका पॉइंटर है, वो डिफ्लेक्ट करना शुरू, मतलब इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, इसके कारण इसका क्या हुआ? पॉइंटर है वो क्या किया? डिफ्लेक्ट किया।
इसका पॉइंटर डिफ्लेक्शन किया, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस द ईएमएफ के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ। अब फिर से वही होगा कि जब किसी कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो ऑलवेज उस कंडक्टर में क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा और मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने से क्या होंगे, इसमें से फिर से एक मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ऐसा जनरेट होगा, इसका खुद का होगा, इसमें प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण ऐसा, ये ऐसा होगा इसकी डायरेक्शन। इसका मैं पीक भेज दूंगा आपको, ग्रुप में डाल दूंगा, क्लियर हुआ। तो इसमें प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण करंट, और जैसे ही करंट फ्लो हुआ इसमें खुद का मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप हुआ है उसके कारण इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है वो प्रोड्यूस हो जाता है, क्लियर हुआ। तो सिंपली यहाँ पर क्या किए हैं, जब तक उसमें करंट की वैल्यू वेरी नहीं होगा, करंट की वैल्यू वेरी नहीं होने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी नहीं होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वेरी नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज नहीं होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज नहीं होने के कारण क्या होगा, उसमें ईएमएफ का प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाए। तो अगर आपको किसी भी कंडक्टर में अगर ईएमएफ का प्रोडक्शन करना है तो ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, उसमें फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोड्यूस्ड ईएमएफ, उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो फैराडेस लॉ से होता है, फैराडेस लॉ से, क्लियर हुआ। फैराडे के लॉ के द्वारा देते हैं उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का, बट डायरेक्शन है, बट डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में ईएमएफ सेटअप होगा, वो सेटअप ईएमएफ की डायरेक्शन बाय लेंज लॉ, क्लियर हुआ, लेंज लॉ, क्लियर हुआ। तो लेंज के नियम से, क्लियर हुआ। तो डायरेक्शन को लेंज के नियम के द्वारा बताया जाता है, बट इसमें प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड जो क्या होंगे, वो मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, वो ऑलवेज क्या होंगे, और मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके द्वारा बताया जाएगा, फैराडे लॉ से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है, दूसरे कॉइल में फ्लो होने वाले करेंट के कारण उस पहले वाले क्वाइल में क्या हो रहा है, ईएमएफ का प्रोडक्शन हो रहा है, क्लियर हुआ। तो बी क्वाइल के कारण ए क्वाइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर ए क्वाइल में जो भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण बी में, और बी क्वाइल में जो भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ उसके कारण ए क्वाइल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, तो वन क्वाइल इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन क्वाइल बाय इन्फ्लुएंस ऑफ अदर क्वाइल इज कॉल्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब वही हो रहा है कि मतलब दूसरे क्वाइल में फ्लो होने वाले करंट के कारण दूसरे क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, और वो जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जब पहले कॉइल को लिंक किया तो पहले कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। तो अनदर कॉइल के इन्फ्लुएंस के कारण किसी अदर कॉइल पर क्या होना, ईएमएफ का प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है, के कारण ईएमएफ का प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है, क्लियर हुआ। तो आई थिंक क्लियर, आप इसमें देखे ए के कारण बी में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, या फिर बी में फ्लोविंग करंट के कारण ए में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। तो एक कॉइल के कारण किसी अनदर कॉइल में, मतलब सेकेंड कॉइल में, या फिर सेकेंड कॉइल के कारण फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ का प्रोडक्शन जो होना ही क्या कहला रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है, क्लियर हुआ। तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और एक आपका क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्लियर हुआ। तो अब मैग्नीट्यूड इसमें फैराडे लॉ से होगा, और इसकी डायरेक्शन है वो किसके द्वारा होगा, लेंज लॉ से, अगला है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या होता है,
किसी भी कॉइल में फ्लोइंग करंट के कारण उसी कॉइल में ईएमएफ का प्रोड्यूस हो जाना ही क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स ऑन फ्लक्स लिंक्ड विथ इट, मतलब खुद के फ्लोइंग करंट के कारण जो उसमें फ्लक्स जनरेट होगा, तो खुद के फ्लक्स जो लिंकिंग होंगे उसमें चेंजेस होने से किसी क्वाइल में ईएमएफ का प्रोड्यूस होना क्या कहलाता है? सेल्फ इंड्यूस्ड क्वाइल, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको क्या लिख सकते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन इट्स ऑन फ्लक्स लिंक्ड विथ इट, मतलब खुद के फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंज होने के कारण सेम उसी क्वाइल पे ही ईएमएफ का प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब ये मानकर चलो कि मान लीजिए एक क्वाइल है, क्लियर हुआ, सपोज उस क्वाइल में हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स कनेक्ट कर दिए, एक बैटरी कनेक्ट कर दी है वेरिएबल रजिस्टर के साथ, तो जैसे ही वेरिएबल रजिस्टर के साथ में हम कनेक्टेड बैटरी की वोल्टेज को चेंज करें, चाहे उसके साथ कनेक्टेड रजिस्टर की रजिस्टेंस को चेंज करें, तो रजिस्टर्स की रजिस्टेंस चेंज होने से उसमें करेंट की वैल्यू चेंज होता है, करंट की वैल्यू चेंज होने से उस क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है, उस प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होता है, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से उसी क्वाइल को लिंकिंग फ्लक्स रेट है उसकी वैल्यू भी क्या होता है? चेंज होता है। तो जब किसी क्वाइल में इन खुद का इंड्यूस्ड जो फ्लक्स है वो उसी को लिंक करे और उसी फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंज होने के कारण जब सेम उसी क्वाइल पे ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है, तब उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। क्लियर हुआ? मैं इसको ऐसा समझा देता हूँ, देखो चलो बनाता हूँ एक क्वाइल। क्वाइल कैसे बनाते हैं? फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उस फिजिकल स्ट्रक्चर में कॉपर वायर को क्या करते हैं? वाउंड कर देते हैं। कॉपर वायर को वाउंड करने से क्लियर हुआ? कॉपर वायर को वाउंड करने से क्या बने? क्वाइल बना। सपोज इस क्वाइल है कंडक्टिंग क्वाइल, इस कंडक्टिंग क्वाइल में एक रजिस्टर लगा दिया, वेरिएबल रजिस्टर, इसके साथ में एक स्विच जोड़ देता हूँ और एक बैटरी दे देता हूँ, ऐसा सेम वैसी जैसा पिछला लिया, बैटरी को बी दे देता हूँ, स्विच को एस, ये वेरिएबल रजिस्टर आर। ठीक है, तो जैसे ही इसमें हम स्विच क्लोज करेंगे, स्विच क्लोज करने से इसमें करंट का फ्लो होना शुरू होगा, फ्लोइंग करंट के कारण इस क्वाइल के चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होंगे? जनरेट होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ऐसा जनरेट होगा। आपको सबको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा क्या होता है? क्लोज पाथ होता है, जो एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड पर क्या होता है? कंप्लीट, ऐसे बंद पाथ बनाएगा, मतलब समझ जाओ ऐसे, ये ऐसा करके ऐसा समझो, ऐसा यहाँ से जनरेट होगा ना, वह ऐसा बाहर में बना देता हूँ इस साइड, ऐसे सेटअप होगा, समझो। क्लियर हुआ? इसकी डायरेक्शन को अगर ऐसे ले लें तो ये ऐसा डायरेक्शन होगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। ठीक है, ये ऐसा, ये सब फ्लक्स है, ऐसे करके इधर आते हुए देखिएगा, ये
ये ऐसे जा रहा है तो ये आते हुए क्लोज पाथ है, ऐसा बनेगा, ऐसा पूरा पैरेलल रहता है एक दूसरे का, जो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। क्लियर हुआ? तो जब इस कॉइल के साथ कनेक्टेड रेजिस्टर की वैल्यू को वेरी करेंगे, तो रेजिस्टर की वैल्यू को वेरी करने से क्या होता है, इसमें इस कॉइल कंडक्टिंग कॉइल में फ्लो होने वाला करंट वेरी होता है। कंडक्टिंग कॉइल में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू होने से इस कंडक्टिंग कॉइल के चारों ओर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होने से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जब इसके द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जब चेंज होता है, तो ये जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसी को क्या कर रहा है, देखो इसी को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, सेम इसी कॉइल को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो सेम इसी कॉइल को लिंकिंग फ्लक्स रेट है उसमें क्या होगा, चेंज। तो करंट की वैल्यू चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से सेम ये जनरेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, सेम इसी कॉइल को क्या कर रहा है, लिंक्ड कर रहा है। तो जब सेम इसी कॉइल के द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट में चेंज होता है, तो सेम इसी कॉइल पे, उसी कॉइल पे क्या होता है, ईएमएफ है, क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब किसी कंडक्टिंग कॉइल से जनरेटेड जब फ्लक्स उसी कॉइल को लिंक करता है और उस कॉइल को लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होता है, तो फ्लक्स लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होने के कारण सेम उसी कॉइल पर एक ईएमएफ है, क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी मैग्नीट्यूड को फैराडे लॉ के द्वारा शो किया जाता है, फैराडे लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? बट मैग्नीट्यूड है उसको अगेन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसके द्वारा बताया जाता है, लेंज के नियम से, लेंज लॉस। तो होता क्या है कि सेम उसी कॉइल से जनरेटेड जब ई फ्लेक्स जो रहता है, सेम उसी कॉइल को जब लिंक्ड करे और उस कॉइल को लिंक्ड फ्लक्स रेट में चेंजेस होता है, तो उस कॉइल में एक ईएमएफ है वो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। उस इंड्यूस्ड, उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। और इस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन जो होता है वो लेंज लॉ से शो किया जाता है, लेंज लॉ के द्वारा बताया जाता है। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस टाइप से होती है कि वो अपने खुद के प्रोडक्शन का क्या करता है, खुद के इंडक्शन का क्या करता है, अपोज करता है। मतलब वो अपना खुद जनरेट हुआ है उसी के कारणों को क्या करता है, अपोज करता है। क्लियर हुआ? मतलब किसके कारण जनरेट हुआ है, फ्लक्स लिंकिंग किया, तो प्रोड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो क्या करता है, फ्लक्स का क्या वैल्यू में अब चेंज जो होता है उसको क्या करता है, अपोज करता है। तो अपोजिशन करेक्टरिस्टिक, ये प्रोड्यूस्ड ईएमएफ और उसकी डायरेक्शन इस टाइप से होती है कि ये क्या करता है, अपने प्रोडक्शन का क्या करता है, वो अपोज करता है। और इस कारण इसको क्या बोलते हैं, अपोजिंग या फिर काउंटर ईएमएफ बोलते हैं। अपने खुद के प्रोडक्शन का, खुद के प्रोडक्शन का क्या करता है, अपोज करता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, such that it opposes, production of it। क्लियर हो? अपने खुद के प्रोडक्शन का क्या करता है, वो विरोध करता है। इसमें जो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है, उस ईएमएफ का डायरेक्शन, ग्रामर थोड़ा देख लिया करो, उतना इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है मेरा, ठीक है। तो आपका ईएमएफ जो प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन ईएमएफ का डायरेक्शन इस टाइप से रहता है कि ये प्रोड्यूस्ड जो ईएमएफ है अपने खुद के इंडक्शन का, खुद के प्रोडक्शन का क्या करता है, वो अपोज करता है, अपोजिशन की प्रॉपर्टी शो करता है।
क्लियर हुआ। तो अपोजिशन नेचर का होता है, इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, अपोजिंग या ईएमएफ अपोजिंग, अपोजिंग नेचर का होता है, इस कारण अपोजिंग ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, मतलब खुद के इंडक्शन, खुद खुद के कारण खुद में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है और वो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ अपने खुद के प्रोडक्शन का ही विरोध करता है, इस कारण उसको क्या बोलते हैं, अपोजिंग ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर उसको क्या बोलते हैं, काउंटर, ठीक है, काउंटर ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, क्लियर हुआ। तो अपने खुद के प्रोडक्शन का विरोध करता है, ठीक है, तो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस टाइप से होती है कि अपने प्रोडक्शन के कारणों का, अपने जिस कारण से वो खुद प्रोड्यूस हुआ है अपने कारणों का ही क्या करता है, अपोज करता है। तो याद रखना, मैं जो भी बताया उसमें करंट की वैल्यू को वेरी किया, क्योंकि करंट वैल्यू वेरी होने से मैग्नेटिक फील्ड वेरी होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी होने से जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होता है, जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होता है। तो जब वेरिएबल अमाउंट का फ्लक्स है किसी कॉइल को लिंक करता है, तब उस कॉइल में ऑलवेज क्या होता है, एक ईएमएफ का प्रोड्यूस होता है। तो स्टेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में दो टाइप का होता है, एक म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है, जब किसी कॉइल को उस कॉइल से जनरेटेड फ्लक्स है वो खुद लिंक करता है और उसमें लिंकिंग, खुद के लिंकिंग फ्लक्स रेट है उसमें चेंजेस होता है, तो खुद के लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होने के कारण सेम उसी कॉइल में एक ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस टाइप से रहता है कि वो प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड जो ईएमएफ जो रहता है वो ऑलवेज अपने इंडक्शन का, प्रोडक्शन का क्या करता है, अपोज करता है, इस कारण उसको क्या बोलते हैं, अपोजिंग ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, काउंटर ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्शन, मतलब खुद के ही इंडक्शन, इंडक्शन बोलना, प्रोडक्शन मत यूज़ करना, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो काउंटर ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को हम लेंज लॉ से शो कर सकते हैं, बट इंड्यूस्ड मैग्नेट की मैग्नीट्यूड जो होगा, ईएमएफ की मैग्नीट्यूड जो होंगे वो फैराडे लॉ के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हुआ। तो दो टाइप का इंडक्शन होता है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैंने दोनों को एक साथ लिया, दोनों कंडीशन में यहाँ पर कॉइल था वो स्टेशनरी था, दोनों कंडीशन में कॉइल था स्टेशनरी था, स्टेशनरी कॉइल में ही फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज हो रहा था। पहले वाले म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है, किसी एक कॉइल पे किसी अनदर कॉइल से जनरेटेड फ्लक्स लिंकिंग रेट चेंज होता है, तो ऑलवेज उस कॉइल में क्या हो रहा था, ईएमएफ का प्रोडक्शन हो रहा था। तो ठीक है, तो म्यूचुअली इंडक्शन ईएमएफ में क्या होता है, म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल मतलब दूसरे के कारण पहले में या फिर पहले के कारण दूसरे में। तो नियरर जो प्लेस्ड जो कॉइल है उसमें फ्लोइंग करेंट के कारण उसमें ईएमएफ, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग रेट चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग रेट चेंज होने से उसमें प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है वो चेंज हो रहा था, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन मतलब समझ जाना, नियरर मतलब किसी अनदर के वजह से किसी अदर कॉइल पे ईएमएफ का इंडक्शन होना म्यूचुअली इंडक्शन है। क्लियर हुआ। तो आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हो तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।